ऑलराइट दोस्तों, रेडमी नोट 10 प्रो, जी हाँ, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है, रेडमी नोट 10 का भी अनबॉक्सिंग कर दिया है। ये बीच वाला फोन है लेकिन सबसे वैल्यू फॉर मनी फोन है। आज की वीडियो में क्विक 30 सेकेंड्स में अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 के बीच में है, शुड यू गो फॉर रेडमी नोट 10 प्रो और यू शुड गो फॉर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स? जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए, छोटा होने वाला है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। ऑलराइट, रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अनबॉक्सिंग आप देखोगे तो वही सिम कार्ड आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, केस आता है, फोन आता है, जी हाँ, एंड यू ऑल्सो गेट 33 वॉट फास्ट चार्जर जस्ट लाइक रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स एंड यस यूएसबी टाइप सी केबल यही आता है दोस्तों बॉक्स के अंदर। सो दैट वाज क्विक 20 सेकंड अनबॉक्सिंग। अगर फोन के बारे में बात करूं, डिजाइन वाइज इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लुक एट दिस, ये हमारे पास जो वेरियंट है दोस्तों, ये ग्लेशियल ब्लू है। वैसे कंपेरिजन के लिए मैं साइड बाई साइड आपको रेडमी नोट 10 एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स ये रखता हूं। देखिए, दिस इज रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो एंड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। अब ये जो है ये ग्लेशियल ब्लू, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स और प्रो में तीनों कलर सेम आते हैं। ये जो है ये डार्क नाइट है, एक विंटेज ब्रॉन्ज आता है एंड दिस इज ग्लेशियल ब्लू। और ये जो है रेडमी नोट 10 में अलग कलर्स आते हैं, ये है फ्रॉस्ट वाइट। दोस्तों एक बात मुझे अच्छी लगी, अगर आप ब्लैक के साथ डार्क नाइट के साथ कंपेयर करते हो तो बेसिकली ये स्लाइटली मैट फिनिश का है एंड दिस इज यस इट इज ऑल ग्लॉसी एंड डेफिनेटली फिंगरप्रिंट मैग्नेट। वैसे दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं, कैमरा के पास देखोगे आप तो इसके अंदर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर आपको ये रिंग दिख रही है, जी हाँ, वो थोड़ी अलग कलर की आती है, इसमें इट इज फुल ब्लैक। Look at that. और दोस्तों आपको कह रहा था ना फिंगरप्रिंट मैग्नेट, लुक एट दिस, दो सेकंड हमने इस्तेमाल किया एंड ऑलरेडी देयर आर सो मेनी फिंगरप्रिंट्स, नॉट विद दिस वन क्योंकि थोड़ा मैट है। दोस्तों पोर्ट्स, बटन्स, सब कुछ सेम है, वेट सेम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आप Redmi Note 10 Pro Max का अनबॉक्सिंग जाके देखिए, इट इज एग्जैक्टली द सेम, नथिंग इज डिफरेंट। लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट डिफरेंस डज दिस हैव? दोस्तों कैमरा सेटअप जो है थोड़ा अलग है। Redmi Note 10 Pro Max में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। जी हां, इसमें आपको 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मिलता है, वही डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस ये है कि 3,000 रुपए से दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max महंगा है। जो बेस वेरिएंट है दोस्तों Redmi Note 10 Pro का, वो 16,000 में आता है, 6GB 64GB वेरिएंट। इसका 6GB 64GB वेरिएंट जो है दोस्तों, दैट गोज फॉर 19,000। 3,000 रुपए आप ज्यादा दे रहे हो, इज इट वर्थ इट विद दैट कैमरा डिफरेंस? दोस्तों मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूं आपको, जी हाँ, साइड बाई साइड 108 मेगापिक्सल के एंड 64 मेगापिक्सल जो Redmi Note 10 Pro से निकाले हुए, जरूर देखिएगा दोस्तों एंड क्या डिफरेंस लगता है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे आप देखोगे दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो है, इट इज नियरली इक्विवेलेंट, इनफैक्ट समटाइम्स इवन बेटर देन 108 मेगापिक्सल। जी हाँ, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड जस्ट टू गो बिहाइंड दैट 108 मेगापिक्सल, एक सवाल आपसे है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू क्लिक अ 108 मेगापिक्सल फोटो? सीरियसली, मतलब उसका साइज तो बढ़ेगा ही और आपकी जो स्टोरेज है वो जल्दी खत्म तो हो ही जाएगी, बट क्या फायदा क्या है 108 मेगापिक्सल का? इवन वाइल शेयरिंग, बहुत ज्यादा हैवी फोटो आपको शेयर करना होगा, आपका डेटा भी जाएगा, ये सब चीजें होंगी, उससे अच्छा आई थिंक 64 मेगापिक्सल राइट नाउ इन माई व्यू इज बेटर देन 108 मेगापिक्सल। दोस्तों एक बात है, लेकिन अगर Redmi Note 10 Pro Max में 5G वेरिएंट आता था 3,000 रुपए एक्स्ट्रा के साथ, देन आई वुड हैव सेड यस, गो फॉर Redmi Note 10 Pro Max। बट राइट नाउ अगर आप Redmi Note 10 सीरीज में देखोगे, दिस डेफिनेटली इज बेटर देन मैक्स, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों आपसे सवाल है, इनफैक्ट मैं पोल डालता हूं, पोल अभी इधर नहीं डाल सकते हैं, कम्युनिटी में डालते हैं, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपको खरीदना है, आपका बजट 15,000 से 20,000 के बीच में है, विल यू गो फॉर Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max? अगर आप मुझसे पूछते हो, मैं इसके लिए जाऊंगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं इसका 8128 का वेरिएंट ले लूंगा रादर देन 664, क्योंकि 64GB स्टोरेज थोड़ा कम पड़ता है। तो दोस्तों अगर मुझे आपको एक सजेशन देना है तो मैं यही कहूंगा कि बाय Redmi Note 10 Pro विद 8GB वेरिएंट।
जी हाँ 18-19 हज़ार का ही आता है, ज्यादा पैसे आप नहीं खर्चा करते हो, लेकिन 2 GB रैम आपको एक्स्ट्रा मिलती है एंड 64 GB स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एंड कैमरा जैसे मैंने बताया नाम के लिए दोस्तों 108 मेगापिक्सल, अभी भी 64 मेगापिक्सल फॉर मी इज गुड इनफ। दोस्तों इस क्विक वीडियो में इतना ही बताना था, वैसे आपको अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो खरीदने में रेडमी नोट 10 प्रो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।